ताजुल मस्जिद जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है। सुभान अल्लाह, बहुत ज्यादा खूबसूरत है वो। तो जब से अभी तक के डेट में तो यहाँ पर क्या मान कितने रखा गया और कितने ऊपर नीचे हो गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक छू, खुश पर छू, दिस इज इदरीस मीर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश व्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कल हम भोपाल आ गए थे, हैदराबाद से भोपाल हमने एक ही दिन में सफ़र सारा कंप्लीट किया। एंड गेस द किलोमीटर्स, इट्स 880 किलोमीटर्स। माय गॉड, जो मज़ा आया ना सफ़र में और जो थकावट हुई है ना, अल्टीमेट। लेकिन मज़ा बहुत आया और ये सफ़र हमने रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया। ऐसा नहीं कि हम बहुत लेट पहुँचे, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं, सही टाइम पर हम भोपाल पहुँचे। होटल मैंने ऑलरेडी बुक किया और रास्ते में एक जगह मैं एक घंटा पूरा सोया हूँ, बिल्कुल एक जगह रुक के पेड़ के नीचे मैं बिल्कुल अच्छे से मस्त रेस्ट किया मैंने, मज़ा आ गया। और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको गर्दन में दर्द नहीं होता क्या? ऑब्वियसली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि नहीं होता तो वो झूठ बोल रहा है, बहुत होता है। लेकिन फिर होटल पहुँच के आपने पूरा दिन सफ़र किया होता है, फिर होटल पहुँच के आपको एक अच्छी नींद मिले ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन होटल के पिलोज पे सोना इम्पॉसिबल होता है। आप ये देखो कि यहाँ के पिलोज कैसे होते हैं, कौन इन पे सोना पसंद करेगा? मैं तो बिल्कुल भी इन पिलोज पे सोना पसंद नहीं करता और मैं इन पे सोता भी नहीं हूँ। मैं अपने लिए अपना इंतज़ाम खुद ही करके रखता हूँ। पेन होती है ताकि मुझे ऐसी स्लीप मिले होटल पहुँच के मैं कल से फिर से वही राइड जो है एक नए जोश के साथ शुरू करूँ, और उसके लिए अच्छी स्लीप मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया जो हमेशा मैं कैरी करता हूँ अपने टॉप बॉक्स में, ये है मेरा प्लो। ये देखो कितना ज्यादा अच्छा प्लो और कितना साफ रहता है ना, ये देखो कितना सॉफ्ट है ये पिलो जो है, ये बनता है माइक्रोफाइबर से। जब भी इसको यूज करो आपको वो कंफर्ट फील हो, आपको लगे कि नहीं आप सोने जा रहे हो। इसका नाम जो है वो है किड्स पिलो, स्लीप सिया का किड्स पिलो। इसका नाम किड्स पिलो इसलिए है मुझे लगता है क्योंकि इस पे जो आपको नींद आती है ना, वो जैसे बच्चे सोते हैं ना बेफिक्र मजे की नींद, बस आप इस पे सो जाओ और बस सो जाओ। ये कंप्रेस बहुत अच्छे से होता है ताकि आप जब भी इसको अपने लगेज में फिट करो ये आराम से फिट हो जाता है और आपकी ज़्यादा लगेज में जगह भी नहीं लेता। उस हिसाब से ये मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है। प्लस ये डस्ट प्रूफ है, इस पे डस्ट नहीं रहती, इस पे डस्ट जमती ही नहीं, और स्वेट प्रूफ है, आपको इस पे पसीना भी नहीं आएगा, आपको स्किन प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये एलर्जी फ्री है, मतलब आपको इससे एलर्जीज भी नहीं होंगी। जब मैं रास्ते में किसी जगह रुकता हूँ रेस्ट के लिए, मैं अपना जैकेट नीचे बिछाता हूँ और फिर उसके बाद पिलो और अपना जो है आराम करता हूँ। कल भी जब मैं आया था मैं इसी के पे एक घंटा मैंने मस्त नींद की थी, मस्त वाली नींद। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब जब मैं आके इस पे सो जाता हूँ ना, हाय क्या आराम मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और इससे गर्दन में भी दर्द नहीं होता, आपकी नेक जो है वो बिल्कुल इसमें सेफ रहती है। और लेकिन अभी हम आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमें जाना है बाइक की सर्विस करवाने। मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये स्लीप सिया का आप ये माइक्रोफाइबर पिलो जो है यूज़ करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप इस पिलो को जो है परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हो या डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर भी जो है वो परचेज कर सकते हो। मेरा कोड ज़रूर से यूज़ करना, ये पे मेरा कोड आ रहा होगा, इसको यूज़ करना, आपको 100 रुपीज जो है वो ऑफ मिलेगा। ये 499 का पिलो है सिर्फ, लेकिन इस पे भी आपको मेरा कोड यूज करने पे जो है आपको 100 रुपीज ऑफ मिलेगा, मतलब बहुत अच्छी डील है। आप जाके इस चीज को परचेज करें और मस्त सोइए। और अभी हम जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर। पहले सबसे पहला काम जो आज का हमें करना है वो है अपने बाइक की सर्विस करवाना, क्योंकि बाइक 10,000 पे सर्विस होती है, इसमें ऑलरेडी 11,000 क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी यहीं पे हमें सर्विस करवानी पड़ेगी। देखते हैं इंशाल्लाह कहाँ पे हो जाएगा, पहले चलते हैं सर्विस सेंटर। बहुत धूप है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ट्रैफिक भी यहाँ बहुत ज़्यादा। हाय भोपाल, क्या गर्मी है। अभी हमने बाइक जहाँ रखी है ना वो वारिस भाई के पास रखी है, वो लाने चलते हैं पहले। तो बाइक मैंने यहाँ अंदर शॉप में रखी, ये है हमारी ब्लैक हॉक। थैंक यू ख्याल रखने के लिए। तो बाइक हमारी सर्विस के लिए आ गई है भोपाल में। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। ऑलरेडी बहुत सारी बाइक्स थी यहाँ पे, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैं ट्रैवल पे हूँ, बोला कोई नहीं फर्स्ट आपका ही करेंगे। तो यार रॉयल एनफील्ड ने हमेशा मुझे बेस्ट सर्विस दी है, बेस्ट। कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है कोई एक शोरूम बेस्ट है, हर एक इनका सर्विस सेंटर बेस्ट है, अभी तक तो बेस्ट ही रहा।
तो जी अभी हम आए हैं दारुल उलूम ताजुल मस्जिद, जो कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वारिस भाई हमें यहाँ पे लेके आए हैं, और वारिस भाई ने यहाँ पे, वालेकुम सलाम, और वारिस भाई ने यहाँ अपना पूरा बचपन गुजारा है। जी मैंने पढ़ाई भी की है यहाँ पे, यहीं से पढ़ाई की है, यहाँ पे आलिम का कोर्स किया यहाँ से, वो भी कम्प्लीट था। अच्छा अच्छा, और आज ग्रेजुएशन करके बाहर में हूँ। अच्छा, अभी अभी अपना ही बिजनेस है? हाँ, मैं सेल्फ, हाँ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ का नज़ारा आप दिखाता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसका एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है, क्या बोलूँ मैं आपको, एशिया की लार्जेस्ट मस्जिद ऐसे ही नहीं कहलाई जाती। सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये जामा मस्जिद टाइप का है, लेकिन ये उससे बहुत बड़ी है। अच्छा अच्छा, इनमें सारे बच्चे रहते हैं अभी भी? हाँ, क्लास के हिसाब से है। अच्छा, उस्ताद का नाम और मोहम्मद असलम जान, ऐसे ही बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं जिनने इसमें पैसे लगाए हैं, मस्जिद में तामीर किए हैं, उनके हर जगह आपको नाम मिलेंगे, नाम मिलेंगे। और फिर इनमें ही बच्चे और उस्ताद एक साथ रहते हैं? हाँ नहीं, एक साथ रहते नहीं, सिर्फ बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उस्ताद को, उस्ताद के अलग रहने का जगह होता है, और बच्चों जो बाहर से रहते हैं, जो प्रॉपर यहीं रहते हैं रात दिन, खाना पीना यहीं, तो वो सिर्फ यहीं रहते हैं, बाकी बच्चे बाहर से आके पढ़ के चले जाते हैं। अभी जहाँ से मैं चल रहा हूँ ये वाला रास्ता, यहाँ से इजीली चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये लाइन जो आपने क्रॉस की ना, ये वाली धूप वाली, तो समझो पैर जल जाएंगे। बहुत खूबसूरत है दारुल उलूम ताजुल मस्जिद। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अभी हम आए हैं अपर लेक, और अपर लेक से पहले हम आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे नारियल पानी पियेंगे। शुक्रिया। और ये ट्रेन कहीं नहीं जाती, बस रुकी हुई है, यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं। लेक में इस टाइम बोटिंग बहुत ही कम होती है, क्योंकि धूप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम चल रहे हैं वन विहार, वन विहार का नाम मैंने इससे पहले भी सुना था। अभी हम हैं वन विहार में, और यहाँ देखो बॉर्डर क्या है, ये फेंसिंग है और ये शेर है, लेकिन बीच में एक गड्ढा है। वो तो जब से अभी तक के डेट में तो यहाँ पर क्या मान कितने रखा गया और कितने ऊपर नीचे हो गए। ये असल में यहाँ पे जू नहीं है, ये नेशनल पार्क है यहाँ पे, लेकिन इसको एज जू भी कंसिडर किया जा सकता है। कुछ ऐसे जानवर जो है तो बूढ़े हो गए हैं या जख्मी हैं, तो उनको ऐसे केज में रखा जाता है, अदरवाइज ये एक नेशनल पार्क है। वन विहार से हम वापस आ गए हैं, और ये साथ में इसके लेक है, वन विहार के आसपास इधर से ले, ये है लेक है साथ, और यहाँ पे भाई जो है शिकंजी पी रहा है। मसाला नहीं डालना एक में नहीं डालना ज़्यादा, नहीं नहीं नहीं, एक में बिल्कुल नहीं डालना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं वापस होटल पहुँच गया हूँ, और इस व्लॉग को भी ये भी ख़त्म करने का टाइम आ गया। आई नो आपको जो है कुछ दिनों से उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ, बाहर बहुत ज़्यादा धूप होती है। राइडिंग तो ठीक है, राइडिंग में आपको कंटेंट मिल जाता है, लेकिन फिर जब एक्सप्लोर करने की बारी आती है कोई एक जगह हम जाके, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि धूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिस वजह से फिर सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है।
तो इंशाल्लाह अभी कल हम जयपुर जाएंगे, कल आपको इंशाल्लाह कल या परसों आपको पता चल जाएगा कि अगला प्लान क्या है और हम आगे क्या करने वाले हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अभी तक आपने ये स्लीप सिया का ये माइक्रोफाइबर पिलो ऑर्डर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, आपकी नींद में बहुत सुकून आएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।